गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोग स्पेशल प्रीपोजिशन के यूसेस पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम ऐड का पढ़ रहे थे। ऐड के कुछ रूल्स हो गए थे, कुछ रूल्स बाकी थे, उन्हें आज हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट रूल है, रेट बताने के लिए ऐड का प्रयोग किया जाता है। यदि रेट बताना हो तो प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लें, बनानास आर सेलिंग एट 30 रुपी डजन। तो एट यहाँ रेट का बोध करा रहा है। नेक्स्ट रूल देखें, किसी विशेष हाउस प्लेस या रेसिडेंस से पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। किसी विशेष हाउस प्लेस या रेसिडेंस से पहले, सुषमा लिव्स एट अकबर रोड, तो ये गली का नाम है, इसके पहले एट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल है, रीजन कॉज आदि को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, अ सीवर एक्सीडेंट कॉज्ड हिज डेथ एट द इंस्टेंट। यहाँ एट यहाँ पर रीजन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है, किसी पर्व से संबंधित समूचे पीरियड के की ओर, समूचे पीरियड की ओर संकेत करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, आई शैल स्टे विथ यू एट दिवाली। तो यहाँ दिवाली के दौरान, दिवाली का जो पीरियड होगा, दिवाली का पर्व जो होगा, उसका जो उसके जितने समय लगता है उसी दौरान बात की जा रही है। द बिगिनिंग और द एंड से पहले, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बिगिनिंग, द बिगिनिंग और द एंड से पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन इनटू। इनटू का प्रयोग भी इन की तरह मे के अर्थ में होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग होता है। रूल देख लेते हैं, गति अर्थात बाहर से अंदर जाने की अवस्था प्रकट करने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड। अगर ये फ्रॉग पॉन्ड में स्थित होता तो इन का प्रयोग किया जाता, क्योंकि गति करके पॉन्ड में जा रहा है, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ है। रूप परिवर्तन करने के लिए भी प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। नेक्स्ट रूल है यूज ऑफ, अगली हेडिंग है यूज ऑफ टू। टू का प्रयोग तक के अर्थ में और कई और अवस्थाओं में होता है। एक एक रूल देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, ही गोज टू द टेम्पल एवरी डे। वो प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो अपने घर से जाता होगा या किसी स्थान से जाता होगा, तो टू जो यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए है। नेक्स्ट रूल है, इन्फिनिटिव वर्ब से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। आप वर्ब के चैप्टर में भी पढ़े होंगे कि वर्ब तीन प्रकार की होती है, सॉरी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो तीन प्रकार की होती है, इन्फिनिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव आप देखेंगे, इन्फिनिटिव वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बाय इन्फिनिटिव वर्ब है, आई वांट टू बाय फ्रूट, तो यहाँ बाय इन्फिनिटिव वर्ब है, इससे पहले टू का प्रयोग किया गया है, नोट कर लें। अब इन रूल्स को देख लेते हैं। समय तथा सीमा बताने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। समय तथा सीमा बताने के लिए सेंटेंस है, इट इज 10 to 10, ये टाइम बता रहा है। अगला है, कंपैरिजन दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। आप लोग एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री पढ़े होंगे, तो कुछ ऐसे कंपैरेटिव हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, दैन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर इत्यादि, उसे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा, ही जूनियर टू मी, तो ये कंपैरिजन को शो कर रहा है। फीलिंग्स दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे द किंग इज क्रूअल टू द पुअर, यहाँ पर राजा गरीबों के प्रति निर्दयी है, तो यहाँ टू फीलिंग्स को दर्शा रहा है। फिर रिजल्ट दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। माई आर्टिकल वॉज
टार टू पीसेस, यहाँ पर उद्देश्य क्या था, टार टू पीसेस, टुकड़े टुकड़े में फाड़ना। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। आप जनरल वे में जानते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जितना संभव हो सके मेन वर्ब के बाद रखना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद रखना चाहिए, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के पहले रखना चाहिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद रखना चाहिए। लेकिन जब कभी इनका रिप्लेसमेंट किया जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि गेव ए पेन टू मी, अगर यहाँ इसको सही सही ऐसे भी लिख सकते थे रवि गेव मी ए पेन, लेकिन जब इनको ऑब्जेक्ट को रिप्लेसमेंट किया गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा गया है, तो इनसे पहले टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। चूंकि हम लोग प्रीपोजिशन टू पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया जाएगा। नोट कर लें, इसी के साथ प्रीपोजिशन टू का यूसेज समाप्त हुआ। ये यूज देख लेते हैं, यूज ऑफ ऑन। ऑन का प्रयोग पर या ऊपर के अर्थ में होता है, जनरल रूल आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसका कुछ विशेष यूज है उसे भी देख लें। डे और डेट के साथ ऑन का प्रयोग करना चाहिए, डे और डेट के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना चाहिए। आई शैल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे, तो ये डेट है, अगर सॉरी डे है, डेट होता तो भी इसके साथ ऑन का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट है किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही राजू हैज रिटेन ए बुक ऑन ग्रामर, तो ऑन का प्रयोग यहाँ पर हुआ। ऊपर नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में, आप जानते हैं ऊपर के अर्थ में भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। शी स्लीप्स ऑन द रूफ, तो ऑन यहाँ पर के अर्थ में भी समझ सकते हैं और फर्श पर छूने की स्थिति को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अदर यूजेज, अन्य प्रयोग भी इसके दिए गए हैं। ऑन फूड, ऑन द वे, ऑन द फ्लोर, इन सारे साथ के साथ भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग वीडियो देखते हुए नोट्स बनाया करिए, नोट्स बनाते हुए सारी चीज़ों को रिवीजन करते रहा करिए, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि फ्री में सबको ग्रामर की नोट्स मिल जाए। और लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।